जैसा कि आपको याद होगा, शेमस की WWE में लास्ट अपीयरेंस पिछले साल अगस्त 18 के स्मैकडाउन में एज के खिलाफ मैच में थी। शेमस को एज ने हरा दिया था और वह AEW में शामिल होने से पहले WWE में एज का लास्ट मैच था। उस मैच के दौरान शेमस को शोल्डर इंजरी लग गई, जिसके कारण अब वह लगभग 8 महीने के लिए WWE में नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेमस एक रॉयल रंबल विनर, मनी इन द बैंक विनर और मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। शेमस ब्रॉलिंग ब्रूट्स फैक्शन का मेंबर था, लेकिन जब वह वापस आएगा तो वह सिंगल्स रेसलर होगा। पिछली बार शेमस 2015 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे, जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस को हराया था। हम सभी ने रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स को रोमन रेंस को हारते और नए अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते देखा। इसके बाद अगली नाइट रॉ में रॉक आए और उन्होंने कोडी रोड्स से कहा कि वह कोडी के लिए वापस आएंगे। इसका मतलब है कि फ्यूचर में उनका मैच होगा, हो सकता है समस्या में सर्वाइवर सीरीज में। इसलिए अब WWE कोडी रोड्स के खिलाफ LA या रैंडी ऑर्टन में से किसी एक को लाने की प्लान बना रहा था, लेकिन चूंकि शेमस इंजरी से रिकवर गए हैं इसलिए उन्हें चुना गया है। फाइटफुल वेबसाइट ने बताया कि शेमस WWE ड्राफ्ट में रिटर्न करेंगे और फिर कोडी रोड्स को चुनौती देंगे। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।